एंड गुड मॉर्निंग, सुबह के नमस्कार, बहुत बहुत सुप्रभात। ठीक है, सुबह के साथ अपने कुछ ताजगी लेकर के पढ़ाई करने बैठे, वरना मत बैठना कभी भी, क्योंकि जब आप सुबह पढ़ाई करने बैठते हो तो थोड़ी खुद के अंदर एक ताजगी होनी चाहिए पढ़ाई करने की। ठीक है, बॉडी में ताजगी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। आज हमने कल अरावली के तुलना तीन चीजों से की, अरावली से निकलना और नदियों के बारे में बताया, बेगुनाह सरसों को खा लो उनकी ट्रिक बताई मैंने आपको, और अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में बताया, गुरु से दिल लगाकर जरासा को बनाए रखो तारा, और अरावली गोडवान लैंड का भाग है तो ये कैसे है इसके बारे में बताया। ठीक, आज हम पढ़ेंगे अरावली का विस्तार, लेकिन उससे पहले अपन एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम रोज एक क्वेश्चन हर वीडियो में लेके आएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है, कौन सा किला राजस्थान का जो सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित है, राजस्थान का कौन सा किला है जो सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित है, उसका नाम आता है कोमलगढ़ दुर्ग। क्या नाम है? कोमलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? राजसमंद में है। इसका निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया, पत्नी कुंभल देवी की याद में करवाया गया, और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार है उसका नाम होता है मंडल। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बाहर 36 किलोमीटर एक लंबी दीवार है जो कि भारत की मानदंड दीवार में एक आती है। ठीक है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें अगर, मंदिर एक दुर्ग स्थित है जिसका नाम होता है कटारगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, और एक कुंभा का निवास स्थल भी है कटारगढ़ दुर्ग। तो यह था आज का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अपन आगे चलते हैं अरावली के विस्तार पढ़ते हैं। ठीक है, अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार की अगर बात करें अगर हम, तो राजस्थान में ऐसा माना जाता है अरावली 11, 12 या 13 जिलों में से गुजरती है, लेकिन 10 जिलों में से अरावली बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से 10 जिलों में से गुजरती है अरावली। उन 10 जिलों के मैं नाम बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करें अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है, तो गुजरात के पालनपुर से होती है। यदि मैं अरावली का गर्भगृह बताऊं आपको तो है अरब सागर। ठीक, अभी हम देखते हैं, पहले हम इंडिया का मैप बनाते हैं एक। ठीक, इंडिया का कुछ इस प्रकार से मैप है, ये मान लो ये इंडिया का, यहां पर पड़ता है अरब सागर। यहां पड़ता है गुजरात, यहां पड़ता है हमारा रंगीला राजस्थान, और राजस्थान के बाद ये जाती है हरियाणा में, हरियाणा के बाद जाती है दिल्ली। अरावली का जो गर्भगृह है उसको बोला जाता है अरब सागर को, अरब सागर को हम बोलते हैं अरावली का गर्भगृह। ठीक है, अब देखो, लेकिन अरावली की जो वास्तविक शुरुआत होती है वो गुजरात के पालनपुर से होती है। ठीक है, तो हम गुजरात के पालनपुर से कैसी होती है, कैसे होती है, हम उसका मैप बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो राजस्थान है, मैप भी बना देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन गुजरात का जो पालनपुर है वहां से क्या होती है अरावली की शुरुआत होती है। तो गुजरात पालनपुर कहाँ पड़ता है? यहाँ पर, गुजरात
गुजरात के पालनपुर से अरावली की क्या होती है शुरुआत होती है पॉइंट टू नॉट। इसके बाद अरावली राजस्थान में प्रवेश करती है सिरोही से। सिरोही में एक स्थान आता है खेड़ ब्रह्म। खेड़ बर्मा सिरो से क्या करती है प्रवेश करती है। शुरुआत होती है गुजरात के पालनपुर से, लेकिन अरावली का गर्भ ग्रह है वो है क्या है अरब सागर गर्भ ग्रह। ठीक है अरावली क्या है गर्भ ग्रह है वो है अरब सागर। अब ये सिरो से प्रवेश करते तो उसके बाद 10 जिलों में से बीचों बीच में से गुजरते हैं। तो 10 जिले और ये अरावली आउट होती है खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू। खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू अरावली क्या होती है आउट होती है। उसके बाद हरियाणा ठीक है। उसके बाद ये जाती है हरियाणा में। हरियाणा के बाद ये जाती है दिल्ली। दिल्ली के JNVU कैंपस। तो ये था अरावली का विस्तार। ठीक है मैंने गर्भगृह बताया अरावली अरब सागर को। उसके बाद सिरोही खेड़ बनमाल से रास्ता में एंट्री होती है। गुजरात के पालनपुर से शुरुआत होती है। 10 जिलों में बीजेपी से गुजरती है और राजस्थान। इसके बाद राजस्थान से आउट होती है खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू से। इसके बाद हरियाणा। इसके बाद दिल्ली के JNVU कैंपस। ठीक है और ये अरावली है ना, ये जो अरावली है ना ये NH-8 के क्या है समानांतर है। NH-8 के समानांतर चलती है। NH-8 के समानांतर ठीक है ध्यान रखें। NH-8 के समानांतर अब जब NH पढ़ेंगे तभी इस बात को और बता दूंगा। ठीक है अरावली किसके समानांतर है NH-8 के समानांतर है। और जो 50 सेंटीमीटर हमारी जो समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा उसके भी समानांतर है अरावली। ठीक तो ये था अरावली का विस्तार। अब हम जिले देखते हैं कि ये 10 जिले कौन से हैं। ठीक NH-8 सबसे जैसे तो मैंने चे ये भी पता आप दिल्ली से मुंबई चलता है ये भी पता आपको। अब देख 10 जिले कौन कौन से हैं। 10 जिले जिनमें से अरावली बीचों बीच में से गुजरती है। 10 जिले आप लिखो आगे लिख लेना 10 जिले जिनमें से अरावली बीचों बीच में से गुजरती है। मैं 10 जिलों में नाम बता रहा हूँ। दक्षिणी भाग के जिले मध्य भाग का जिला और उत्तरी भाग का जिला। दक्षिणी भाग के जिलों की ट्रिक है राज डूंगर से उठो। राज डूंगर से उठो यानी कि राजसमंद डूंगरपुर सिरोही उदयपुर।
उदयपुर, ठीक है। मध्य भारत का जिला है अजमेर। और जो उत्तरी भाग का जिला है, उत्तरी भाग का जिला सारो जो जयपुर संभाग है हमारा, तो सारो जयपुर संभाग है जो उत्तरी भाग का जिला हो गया, ठीक है। जयपुर संभाग में किसी की जिला जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर, ये जयपुर संभाग का जिला है। तो पांच और छह, चार चार दस, नोट कर लेना। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे अब, ठीक है, हमारे पास टाइम कम है। अब आगे चलते हैं अपन, अरावली पर्वतमाला में स्थित ऊंचा शहर और नीचा शहर। अरावली पर्वतमाला में, अरावली पर्वतमाला में स्थित ऊंचा शहर, यदि हम अरावली पर्वतमाला में स्थित ऊंचा शहर की बात करें तो वो है माउंट आबू। अरावली पर्वतमाला में स्थित नीचा शहर, यह अपन बात करें जिले की तो वह है अजमेर, ठीक। तीसरा पॉइंट है अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक विस्तारित, सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर में जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो विस्तारित है, ठीक है। सबसे संकीर्ण की बात करें, अरावली पर्वतमाला का संकीर्ण यानी संकीर्ण मतलब कम विस्तार है, सबसे कम विस्तार वो है अजमेर। और यदि अरावली का क्षेत्रफल बात करें, कुल क्षेत्रफल तो वो है 9771 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग 9771 वर्ग किलोमीटर। एक मैंने चीज बताई थी आपको, अरावली की टोटल लंबाई है 612 किलोमीटर, उनमें से राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर, यानी कि कुल लंबाई का 80% भाग है जो राजस्थान में है। अरावली का, यहां पर लिख दूं, अरावली का कुल लंबाई का 80% भाग राजस्थान में है, यानी कि लंबाई हमें कभी नहीं पहुंचेंगे, 612 किलोमीटर है कभी भी नहीं पूछेंगे, और 550 किलोमीटर इन राजस्थान है कभी नहीं पूछेंगे, ये लाइन जरूर पूछ सकते हैं कि कुल लंबाई का 80% भाग राजस्थान में है अरावली का, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आगे आते हैं अरावली पर्वतमाला स्थित वायु घाटियां। अपन वायु घाटियों के बारे में बात करें तो वायु घाटियां सर्वाधिक पड़ती है अजमेर, ब्यावर और सांभर में, ठीक। वायु घाटियां, वायु घाटियां देखो इस तरह की होती है, जिसमें से हवा और रेत,
दोनों का ही क्या हो सकता है, स्थानांतर हो सकते हैं। सर्वाधिक वायु घाटियां, सर्वाधिक वायु घाटियां बढ़ती है अजमेर, ब्यावर और सांभर में। अजमेर, ब्यावर और सांभर में सर्वाधिक वायु घाटियां पड़ती है। इन वायु घाटियों को जो पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी भाग में क्या है, मरुस्थल है। इसके पूर्वी भाग में क्या है, वायु घाटियों के मैदान है। ठीक है, तो एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी आपने, रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च का मतलब होता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का है उसका आगे बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। यानी होता है क्या, जो पश्चिमी भाग की जो रेत है उस रेत का क्या हो रहा है, स्थानांतरण। इस रेत का क्या हो रहा है, स्थानांतरण किधर हो रहा है, पूर्वी भाग में। यानी जो पश्चिमी भाग की रेत है उसका स्थानांतरण हो रहा है पूर्वी भाग में। इसको हम बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च। और इस रेत का जब स्थानांतरण होगा या रेत आगे बढ़ेगी तो इससे पूर्वी भाग में क्या देखने को मिलती है, मरुस्थलीकरण की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग में कौन सी समस्या देखने को मिलती है, रेगिस्तान का मार्ग, और पूर्वी भाग में इन वायु घाटियों के माध्यम से हमें मरुस्थलीकरण की समस्या देखने को मिलती है। तो आप चाहे तो एक पॉइंट नोट कर सकते हो, ठीक है, वायु घाटियों के माध्यम से पश्चिमी भाग में रेगिस्तान के मार्च की समस्या देखने को मिलती है, तथा पूर्वी भाग में वायु घाटियों के माध्यम से मरुस्थलीकरण की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपन कल देखेंगे अरावली का जो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार। ठीक है, अरावली की गौण पहाड़ियां, अरावली में पहाड़ियां पाई जाती है, ग्रेनाइट की पहाड़ियां, जालौर वाले क्षेत्र में ग्रेनाइट, उन पहाड़ियों की हम बात करेंगे। ठीक, इसके बाद लास्ट में हम अरावली की विशेषता देखेंगे थोड़ी बहुत, और इसका हमारा टॉपिक अरावली फिनिश। ठीक, ओके।